मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जनपद के विलासपुर और पटवाई में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी राजीव कुमार मांगलिक ने बताया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बुधवार को विलासपुर में रामपुर रोड स्थित शंकर राइस मिल में उतरेंगे। दोपहर दो बजे वो बिलासपुर में सोमवार की बाजार स्थित रामलीला ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से दीक्षित राइस मिल पटवाई पहुंचेंगे। अपराह्न 3 बजे पटवाई में पुरानी बाजार स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंत्री पिछले माह भी रामपुर आए थे। 1 जनवरी को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के रठौंदा में जनसभा को संबोधित किया था। इस बार भी वो बिलासपुर आ रहे हैं। इस सीट से प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भाजपा प्रत्याशी हैं। मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रठौंदा और मिलक सुरक्षित क्षेत्र के शाहबाद में आए थे। मिलक सीट से विधायक राजबाला सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में भाजपा जिले की 5 में से इन 2 सीटों पर ही जीत सकी थी। इस बार भी पार्टी नेता इन दोनों सीटों को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इन क्षेत्रों में बार बार चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर आएंगे। वो यहां विजय रथ पर सवार होकर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे। सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने बताया कि सपा का मुखिया आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने बताया कि सपा मुखिया हेलीकॉप्टर बुधवार को यंग मैन हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद गांधी समाधि पहुंचेंगे। यहां विजय रथ पर सवार होकर जौहर रोड से होते हुए LIC चौराहा पहुंचेंगे। इसके आगे ईदगाह गेट पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगे। यहां से माला रोड व मिस्टनगंज होते हुए किले के पश्चिमी गेट पर पहुंचेंगे। यहां जनता को संबोधित करने के बाद 2:30 बजे जेल के पास तिराहे पर पहुंचकर जनता से सपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इस स्थान से थोड़ी दूरी पर सांसद आजम खान का घर भी है। इस स्थान पर सपा मुखिया पहली बार जनता को संबोधित करेंगे।